बीच यह ट्रेन 25 वोल्ट को कवर करती है 6 घंटा 30 मिनट। तो बाथरूम कंडीशन बढ़िया है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसके पंडित और आप देख रहे हैं एसके पंडित ब्लॉग। तो आज की जर्नी होने वाली है अपनी 04764 श्रीगंगानगर सादुलपुर पैसेंजर ट्रेन में, जो कि रोजाना सुबह 5 बजे श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से चलती है और आपको उसी दिन सुबह 10:30 बजे सादुलपुर रेलवे स्टेशन पहुँचाती है। इस बीच यह ट्रेन 25 वोल्ट को कवर करती है 6 घंटा 30 मिनट में। पर अपनी जर्नी होने वाली है आज हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन सादुलपुर रेलवे स्टेशन तक, तो चलिए पूरी यात्रा आपको दिखाई जाएगी। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं और रेल यात्रा को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं अपनी श्रीगंगानगर सादुलपुर पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे लगी हुई है। तो यहाँ से ये डिपार्चर करती है, तो आपको डिपार्चर दिखाएंगे, बने रहिए चैनल के साथ। तो अपनी ट्रेन हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन से ऑन टाइम डिपार्ट हो रही है। तो हनुमानगढ़ जंक्शन से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपने आ चुके हैं हनुमानगढ़ टाउन, जिसका स्टेशन कोड है HMO और यहाँ रोजाना ट्रेन आके रुकती है 8। और प्लेटफॉर्म संख्या की बात करूँ तो यहाँ प्लेटफॉर्म संख्या 2 है और यह हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो चलते हैं, ट्रेन का हॉर्न बज चुका है। देख सकते हैं सामने मिरर है और मिरर पे पानी के धब्बे हैं। श्रीगंगानगर सादुलपुर पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं। और नीचे वेशन की बात करूं तो वेशन का हाल आप खुद ही देख सकते हैं कैसा है। और पानी में देखूं तो पानी फिलहाल आ रहा है। और यहां पे देख सकते हैं वाशरूम सॉफ होना चाहिए, पर यहाँ पर टूटा वगैरह यहाँ पर है नहीं, ठीक है। और ऊपर की बात करूँ तो ठीक है, बट चलिए अब वाशरूम के अंदर जाते हैं और वाशरूम कंडीशन दिखाते हैं। तो देख सकते हैं सामने फिर से मिरर है, ठीक है।
और नीचे की बात करूँ तो नीचे देख सकते डिफेंस डिस्पेंसर का देखे कचरा फंसा हुआ है इसके अंदर, आपको दिख नहीं रहा होगा और कचरा फंसा हुआ है। चलिए पानी देखते हैं आ रहेगा, पानी आ रहा है भैया, पानी ठीक है और लिक्विड यहाँ पे सॉप होना चाहिए पर सॉप नहीं है। और मैं इस तरफ की बात करूँ देख सकते हैं यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, ठीक है। तो बाथरूम कंडीशन बढ़िया है, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन है, यही हाल मिलेगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। हनुमानगढ़ से 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपने आ चुके हैं सरेका, जिसका स्टेशन कोड है SRKN और यहाँ रोजाना 4 ट्रेन आके रुकती है। प्लेटफॉर्म संख्या की बात करो तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म संख्या 2 और यह हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। हनुमानगढ़ से 23 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपने आ चुके हैं टिब्बी, जिसका स्टेशन कोड है TIBI और यहाँ रोजाना ट्रेन आके रुकती है 4। प्लेटफॉर्म संख्या की बात करूँ तो प्लेटफॉर्म संख्या यहाँ पे 1 और यह हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। भाई लोग हनुमानगढ़ से 42 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपने आ चुके हैं एलनाबाद, जिसका स्टेशन कोड है ENB। यहाँ ट्रेन आके रुकती है रोजाना 8 और प्लेटफॉर्म संख्या की बात करूँ तो प्लेटफॉर्म संख्या यहाँ पर 3 और यह रेलवे स्टेशन हरियाणा के अंडर में आती है और यहाँ अपने ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। हनुमानगढ़ से 55 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपने आ चुके हैं खिनानिया, जिसका स्टेशन कोड है KNNA और रोजाना यहां पर 8 ट्रेन आकर रुकती है। प्लेटफॉर्म संख्या की बात करें तो प्लेटफॉर्म संख्या 2 और ये रेलवे स्टेशन हरियाणा के अंडर में आता है।
मानगढ़ से 74 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपने आ चुके हैं नौहर, जिसका स्टेशन कोड है NH4। यहाँ रोजाना 8 ट्रेन अगर रुकती है। प्लेटफॉर्म संख्या की बात करूँ तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 और यह है रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। हनुमानगढ़ से 84 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपने आ चुके हैं श्री रामगढ़ होल्ट, जिसका स्टेशन कोड है SHRG और यहाँ रोजाना 4 ट्रेन आगे रुकती है। प्लेटफॉर्म संख्या की बात करूँ तो प्लेटफॉर्म संख्या 1 और यह रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। हनुमानगढ़ से 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपने आ चुके हैं गोगा मेडी, जिसका स्टेशन कोड है GAMI और यहाँ रोजाना 4 ट्रेन आगे रुकती है। प्लेटफॉर्म संख्या की बात करूँ तो प्लेटफॉर्म संख्या 1 और गोगा मेडी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। मैं बात करूँ गोगा मेडी की तो यहाँ पे अगर अगस्त के मौसम में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मेला लगता है गोगा जी का, तो आप विजिट करिए अगस्त के मौसम में गोगा मेडी। हनुमानगढ़ से 114 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपने आ चुके हैं तहसील भादरा, जिसका स्टेशन कोड है TSD। यहाँ रोजाना 8 ट्रेन आगे रुकती है। प्लेटफॉर्म संख्या की बात करूँ तो प्लेटफॉर्म संख्या यहाँ पर 3 और यह रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। हनुमानगढ़ से 133 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपने आ चुके हैं अनूप शहर, जिसका स्टेशन कोड है AUS और यहाँ रोजाना 6 ट्रेन आगे रुकती है। प्लेटफॉर्म संख्या की बात करूँ तो प्लेटफॉर्म संख्या 1।
चंडीगढ़ से 161 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपने आ चुके हैं निर्वासी, जिसका स्टेशन कोड है NRWY। और यहाँ रोजाना 4 ट्रेन आकर रुकती है। प्लेटफार्म संख्या की बात करूँ तो यहाँ पे प्लेटफार्म संख्या नंबर 2 और यह रेलवे स्टेशन चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो दोस्तों हनुमानगढ़ से 178 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपने आ चुके हैं सादुलपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SDLP। और यहाँ रोजाना 47 ट्रेन आकर रुकती है और यहाँ से 3 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 3 ट्रेन टर्मिनेट होती है। तो अपनी जर्नी यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जर्नी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू ऑल।